द फर्स्ट डे 2100 दिरहम की सेल जस्ट विद कुल्फीज, बाकी जितने प्रोडक्ट्स उसके आसपास पड़े हुए थे सब धरे भरे रह गए और कुल्फियां बिकनी शुरू हो गई कि यार आपने दूसरों की कामयाबियों के लिए खुश होने हैं, अल्लाह ने आपका हिस्सा बढ़ा देने। मेरे साथ क्या हुआ था आजाद भाई, जब मैंने कुल्फी, आपने जब आके वो अफर्मेशन दिया है कुल्फी करनी है, आपको पता है उसी वक्त उसके साथ साथ जो काम मैंने किया था, मैंने उसी वक्त कुल्फी की फैक्ट्री साथ डाली और लोगों ने कहा कि खाली कुल्फी की फैक्ट्री डजंट मेक सेंस, भाई तू एक काम कर अपनी दुकान में पीछे एक मशीन रख ले और जितनी कुल्फियां बनती है उतनी बना बेच। मैंने कहा नहीं, पूरे यूएई में बेचनी है। जो मैंने गलती की, और मैं उसके बाद एक वन लाइनर कहूंगा कि आपने नहीं करनी, वो ये है कि गोइंग स्लो इज द न्यू फास्ट एंटरप्रेन्योर के लिए, ठीक है। आपने शुरू में तेजी नहीं दिखानी, वो तेजी बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल ये रहेगा, यू हैव टू स्टे इन द गेम। तो आई हैड एटलीस्ट 5 मल्टीपल एवेन्यूज, अगर यहाँ से बिजनेस नहीं आना था तो यहाँ से आता था, तो मल्टीपल एवेन्यूज। अगर और कुछ ना कहें, मुख्तसर सा अगर मैं वीडियो रखूँ, दिस इज अ गाय 4 इयर्स अगो स्टॉल से शुरू किया, कुल्फी बेचना शुरू की, टुडे हैज मल्टीपल आउटलेट्स, 5 फैक्ट्रीज, 5 वेयर हाउसेज इनके पास। आप भी सक्सेस स्टोरी बन सकते हो। इट डज नॉट मैटर कि आप कहाँ से शुरू करते हो, इट मैटर्स कि आप पहुँचते कहाँ पे हो आहर का। सो स्टार्ट स्मॉल एंड बिग। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं जाचा वाला मिलियनेयर, मेरे सामने खड़े हुए हैं हुरम। हुरम की तारीफ ये है कि 4 साल पहले इन्होंने वन डिश मिलियनेयर वाला जो आइडिया होता है उसको पकड़ लिया, कुल्फी बेचना शुरू कर दी इन दुबई। स्टार्ट किससे किया? एक छोटे से आदने से जिसको कियोस्क हम बोलते हैं, स्टॉल से शुरू किया। सबकी से ये सीखने के कैसा रहा सफ़र, एंड हाउ ही मैनेज टू गेट फ्रॉम 1 फैक्ट्री 1 कियोस्क टू 5 फैक्ट्रीज एंड डेरू सारे फिजिकल जो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट्स हैं, और आगे इनका प्लान क्या है। 4 साल में माशाल्लाह अल्लाह ने इनको इतनी तरक्की दी है दैट ही हैज 40+ एम्प्लॉयज, यानी रोजी लोगों की यानी ये वसीला बने। सो बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। हुरम, आइडिया कैसे आया कि मैंने एक चीज़ बेचनी है? सबसे पहले तो सबसे पहले जो है वो 1 मिलियन की मुबारकबाद बनती है, क्योंकि जब मैं आजाद भाई से मिला था तो आई रिमेम्बर द नंबर, इट वॉज 23,000, ठीक है, और आज 1 मिलियन 23,000। और उसमें जो सबसे कमाल की बात है, जो आज के सेशन में हम डिस्कस भी करेंगे, वो कीवर्ड है मिलियनेयर, ठीक है। तो जो बंदा खुद दिमागों को इम्पैक्ट कर रहा है उसके लिए भी वो मिलियनेयर अचीव करना इज अ पर्सनल गोल, ठीक है, कि यार यू आर इंस्पायरिंग विद एक्शन। ऐसे नहीं है कि आप लोगों को कहीं जा रहे हैं और खुद जो है ना वो अटके हुए अटके हुए कहीं पर, ठीक है। और टू स्टार्ट विथ, पहली बात तो मुबारकबाद आपको बहुत बहुत, ठीक है, क्योंकि सफर जो मेरा 4 साल का, आपका 4 साल का है, बहुत 7 साल ही है आप वो है उसमें कॉमनलिटी है, कुछ मिलियनेयर बने मैं सब्सक्राइबर्स में, और वो आप माशाल्लाह यू लीड इट, ठीक है। और टू स्टार्ट विथ जो सबसे पहली चीज है वो है कि मेरे ख्याल से व्हाट वर्क्ड फॉर मी, मैं अगर अपने बारे में या कुल्फी किंग के बारे में बताऊं कि व्हेन आई स्टार्टेड विद कुल्फी किंग बैक इन 2017 एंड वी स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल कियोस्क समवेयर इन सेंचुरी मॉल, लेकिन जो सबसे रिलेटिबिलिटी मेरे आज जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनसे ये सबसे ज़्यादा बन सकती है कि वो सारे लोग मुझसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो आज कहीं ना किसी पॉइंट पर फंसे हुए, ठीक है, अपने आइडिया के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही, दे हैव द आइडिया, एवरी थिंग इज़ विद इन देमसेल्फ, उनके अंदर वो चीज़ है, क्योंकि मेरे अंदर भी वो चीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद कोई फंसे हुए थे कहीं, और उनको भी कहीं ना कहीं से कोई आज़ाद चाहिए जो उनको आगे आज़ाद करे। क्योंकि आई रिमेंबर, देखिए अल्लाह ताला ने आपको कहीं पहुँचाना है, कहीं लेकर जाना है ना, तो असबाब भी अल्लाह ताला ही बनाते हैं। मुझे याद है, ये बात बताने वाली नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, आज़ाद भाई उन दिनों में जब यहाँ आए, इनको याद पता नहीं याद है नहीं याद, आपका उन दिनों में वीज़ों का मसला बन गया था, आप ट्रैवल करना चाह भी रहे थे लेकिन आप कर नहीं पाए। उन्होंने निकालने की कोशिश की, मेरी छाती पे एक दाग नजर आया अचानक, हाँ जी आपको टीबी और आप निकल जाओ, आप नहीं जा सकते। मैं कहा मैं जाना ही नहीं, टीठा मुझे टीबी किधर हुई है। हर आई वन दैट केस, वो साबित हो गया कि की तरफ से He got stuck in the country, ठीक है, and he was a man on mission,
उस वक्त ये मिशन इनका नया नया शुरू हुआ था और मेरे साथ अल्लाह ने आसानी करनी थी। इन्होंने कहा यार ये वक्त जो है ना ज़ाया नहीं करना, किसी ना किसी को इंस्पायर करना है, किसी ना किसी को जो सफ़र मैंने शुरू किया है ना उसमें को पहला मिलियनेयर बनाना है, ठीक है। एंड यहाँ से जहाँ से मैं जहाँ जहाँ बात करता जाऊँगा साथ साथ अपना लेसन बताता जाऊँगा, ठीक है। उसमें जो कीवर्ड था ना वो जो मिलियनेयर वाला इनका लाड का लफ्ज़ है आप सबके लिए मिलियनेयर हो, ठीक है, दैट हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन माइंड्स, ठीक है। जब मैंने कुल्फी किंग का नाम रखा तो जो कीवर्ड था किंग का दैट हेल्प मी इन द कम्प्लीट जर्नी। टुडे आई एम हम्बल्ड लेकिन अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह दैट कीवर्ड ऑफ द किंग टुडे वी आर रूलिंग द मार्केट एटलीस्ट विद आवर प्रोडक्ट कुल्फी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आप इनको बताएं शुरू कैसे किया, व्हाट वाज द आईडिया, एक डिश क्यों कुल्फी क्यों बेचूं? देखिए आई एम हमारा जो जोड़ भी बना था ना वो भी इसीलिए बना कि आप उसके बड़े स्ट्रांग एडवोकेटर हैं वन डिश मिलियनेयर के, हाँ। और मैं भी उस पॉइंट पे बहुत से आइडियाज़ पे मैंने काम कर लिया था, बहुत से फेलियर्स का सामना कर लिया था और मैंने ये फैसला कर लिया था कि आई विल नाउ, मैंने क्राइटेरिया बना लिया था, ठीक है। उस क्राइटेरिया में सबसे बिफिटिंग प्रोडक्ट क्या था वो कुल्फी आया। मैंने पहला तहिया किया कि इट हैज़ टू बी समथिंग आई कैन स्टार्ट स्मॉल एंड शुड हैव दैट स्केलेबिलिटी, ठीक, कि उसको ले कर मैं जो है ना सात समंदर पहुँच जाऊँ, ठीक ठीक है। दूसरा ये था कि रेस्टोरेंट या कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो भारी हो, जो असाब पे भारी हो जाए, बहुत मेहनत हो, एट एंड ऑफ द डे समझ ना आ रही हो कि कहाँ जा रहे हैं, टू टेक समथिंग लाइट एंड रन विद इट, इन्वेस्टमेंट भी भारी, हर चीज़ भारी, ठीक है। तीसरी जो चीज़ थी उसको उसके बाद वो ये थी कि मैंने एक ट्रेंडी प्रोडक्ट में फेलियर का सामना किया जिसका मैं नाम भी ले लेता हूँ, बबल टी। मैंने बबल टी को शुरू किया, वो एक नया ट्रेंडी वेव आया मार्केट में, बड़ा अच्छा चल रहा था, तो मैंने भी एक कैफ़े लिया और मैंने उसमें बबल टी शुरू कर दिया। वो पहले चार दिन तो बड़ी चांदनी, उसके बाद मतलब समझ ही नहीं आ रही गया कहाँ है प्रोडक्ट, ठीक है। तो उस पॉइंट पे उस गलती ने ये सिखाया कि भाई अब जो प्रोडक्ट करना है ना इट शुड बी डीप रूटेड, उसको तीनों जनरेशन्स भी खाएं, चाहे एक फैमिली की दादा अबू आए हैं, बाप आया, बेटा आया, तो तीनों खाएँ, एंड इट शुड हैव अ नॉस्टैल्जिक उसके पीछे, हाँ उसके अंदर हो, ताकि लोग आउट ऑफ सीजन ना हो कभी। और अल्लाह ने उसकी वजह से मेरे दिमाग में ये कुल्फी का आइडिया आया। उसके बाद जो चौथी बात थी वो ये थी कि मेरे पास मेरे अंदर वो जुनून है कि अगर मैं किसी चीज़ को पकड़ लेता हूँ ना फिर मैं रात दिन खाना पीना ओढ़ना बिछोड़ना मेरा वही बन जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरा जब कुल्फी बन गया, मेरा ओढ़ना बिछोड़ना सोना खाना पीना हर वक्त उसको सोचना, तो एक पॉइंट पे जो कन्वर्जन रेट था वो ऐसा इनक्रेडिबली बढ़ा है, ठीक है, इतना लीथल हो गया था कि मतलब चलते फिरते सेल्स हो रही थी, ठीक ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया आजाद भाई कि ये जो वन डिश मिलियनेयर के जो 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 प्लस पॉइंट्स हैं वो ये था कि मैंने कुल्फी को डेढ़ दिरहम से लेके 25 दिरहम तक बेचना शुरू कर दिया। देखिए थी कुल्फी थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लें, डेढ़ दिरहम जाती थी लेबर कैंप्स वगैरह में, और 25 दिरहम में मैं रॉयल फैमिली की शादियों में जाता था, ठीक है। तो वो सेम प्रोडक्ट, तो आपने ये नहीं करना कि एक नीश मैं भाई जी नीश मार्केट का हूँ, नहीं जी मैं बिल्कुल मासेज में जाना है, नहीं जी एक प्रोडक्ट है उसी में वेरिएशन करनी है, उसको वहाँ भी बेचो उसको यहाँ भी बेचो, आप उस चीज़ के जो है ना बादशाह बन जाए। प्रॉक्टर गैम्बल है ना, हेड एंड शोल्डर की छोटी सी 5 रुपए की सैशे बेचता है ना, लेकिन आपको 500 की 1000 की बड़ी बोतल भी बेचता है, 1 लीटर की 500 ml की, तो डू दैट, लेकिन नीच क्या है, तो वो शैम्पू ही ना। बिल्कुल, और उसके साथ ना ये जो वन डिश मिलियनेयर है इसमें एक और बड़ी इंस्पिरेशन मुझे मिली, क्योंकि देखें आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं आज, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अल्लाह पे जो ईमान है ना, वी हैव टू कनेक्ट दैट थिंग टू अ डीपर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मुझे याद है जब मैं आपसे मिला तो आपने कहा यार मैं जितना इस चीज़ को इंस्पायर करूंगा, लोग कारोबार करेंगे, वो जितनी कल ज़कात देंगे मैं उसका हिस्सा बनूंगा, yes। तो वो जो सोच है, मैं आपसे उस दिन भी कह रहा था कि रोज़े हशर वाले दिन इंशाल्लाह आपकी जो मंतक है, आपने जिस सोच से वो काम किया था अल्लाह ने उसमें बरकत डालनी है, ठीक है। मैं अलबेक के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था,
देखिए अलबेक ने दुबई मॉल में आकर, जो इस वक्त दुबई का हब है, उसमें आके मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। अगर आज आप जाएं मार्केट दुबई मॉल में, आपको जो क्यू नज़र आएगी अलबेक में, वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही होगी। उसने क्या किया है कि 7 दिरहम के अंदर वो दुबई मॉल में बर्गर्स बेच रहा है। कैन यू बिलीव दिस? माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन बात कहाँ से हो रही थी, डीपर ऑब्जेक्टिव। उस जिसने अलबेक शुरू किया था, उसने क्या किया था कि जो वन प्रोडक्ट उसने उठाया था, रोस्टेड चिकन, ठीक है, उसने क्या किया, हर मील का 1 दिरहम वो चैरिटी में जा रहा था। जितने मील दिन में जाते थे, वो 1 दिरहम चैरिटी में जा रहा था। लेकिन कमाल उस बंदे का, उस ब्रांड को भी ज़्यादा बनाने से बड़ा ये था कि उसने जो लेगेसी छोड़ी, उसकी औलाद ने क्या किया कि उस 1 दिरहम को 2 दिरहम कर दिए। एंड दे आर अनस्टॉपेबल राइट नाउ, अनस्टॉपेबल। मार्केट्स को डिसरप्ट कर रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि भाई ये क्या चीज़ें हैं। आप यहाँ अलबेक है, इस तरफ पूरा खाली है, इस तरफ पूरा खाली, अलबेक ही अलबेक है। नहीं, यानी खाली से मुराद उधर बर्गर किंग है, उधर अपना हार्डीज है, पिज़्ज़ा हट है, सारे हैं बिग नेम्स, ठीक है। तो उस चीज़ ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया कि कुल्फी कह लें या कोई भी वन डिश मिलने वाला जो प्रोडक्ट है, उसमें ये चीज़ को करना बहुत पॉसिबल है। क्या आप उसका 1 दिरहम, उसका 50 फिल्स, जो भी आप अपनी इस्तेदाद के हिसाब से समझते हैं, डेडिकेट कर दें, ठीक है, उससे वो किस तरह मल्टीप्लाई होगा, किस तरह आपका शेयर बनेगा और किस तरह वो चीज़ आपको मासेज में लेके जा सकती है, आपको पता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद कुल्फी किंग के हवाले से देखें, जब शुरू किया इन द बिटवीन विच इज़ टुडे एंड टिल द डे वी जिंदगी है, जब तक मैं कुल्फी बेच रहा हूँ, ठीक है, एक चीज़ का यकीन हो गया कि द डिफरेंस इज़ यू, ठीक है। मैंने कुल्फी किंग शुरू किया, द आइडिया, उसको कैसे लेके चल रहा हूँ, आज बहुत कंपटीशन है, मुझे देख के बहुत से लोगों ने कुल्फी शुरू की, लेकिन आज भी जो सेल्फ बिलीव वो ये है कि द डिफरेंस इज मी। मैं जब तक कर रहा हूँ इसको, आप कोई भी वन डिश प्रोडक्ट करेंगे, आपका जो डिफरेंस होगा वो आप होंगे और आप अपनी स्ट्रेंथ होंगे। एप्पल का हुआ स्टीव जॉब्स, ये टेस्ला का हुआ इलॉन मस्क, वगैरह वगैरह, कुल्फी किंग के हुए ये, इनका ब्रांड बाय द वे कुल्फी किंग कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अब आप जिस भी पॉइंट पे, जहाँ भी स्टक हैं, आपने सेल्फ बिलीफ के लिए जो मैंने किया था, आपने अपना लीथल कॉम्बिनेशन जानना है कि आपका लीथल कॉम्बिनेशन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि वीकनेसेस सबकी हैं, सब ने वो उस पर, अगर नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आपकी नज़र लेके जाते हैं आपकी वीकनेसेस पे, आपकी स्ट्रेंथ्स पे लेके जाने वाले लोग आपको कम मिलेंगे। माई लेट से आई नो यू एज अ ब्रदर, एज अ पर्सन, मैं अगर आपकी लीथल कॉम्बिनेशन बता दूँ 2 वर्ड्स में, बिकॉज यू हैव टू बी दैट स्ट्रेट विथ इट कि है ये, इस चीज़ के साथ मैं आग लगा दूंगा। आपकी जो लीथल कॉम्बिनेशन है, जो हर कारोबारी के अंदर, या मैं कहूँगा किसी हद तक मेरे अंदर भी अल्लाह ने शायद रखी है, वो है दिलेरी। आज़ाद भाई इस दिलेर, ठीक है, जो कुछ भी है आज, ये जितना भी चैलेंजिंग काम कर रहे हैं, इसके साथ बड़े प्रॉस एंड क्रॉस जुड़े हुए हैं, इट वॉज नॉट ईजी, बट दिलेरी दिखानी पड़ती है क्योंकि डीपर ऑब्जेक्टिव है। नज़र उस पर है, लोग पागल कहें, लोग जुनूनी कहें, लोग जो मर्जी कहें, मुझे भी लोग कहना शुरू हो गए थे, भाई तू कुल्फियाँ बेच रहा है, कौन सा कोई इतना कमाल का काम कर रहा है जो इतना इंस्पायर्ड है, तू कुल्फियाँ ही तो बेच रहा है। लेकिन आई वॉज, ठीक है, तो आज़ाद भाई का लीथल कॉम्बिनेशन दिलेरी, विच एवरीबडी ऑफ यू हैव टू हैव इट एट्स किसी हद तक। और दूसरा ये है कि आप इंस्पायरिंग हैं, आप इंस्पायरिंग सिर्फ इसलिए हैं, उसकी वजह वही बैक टू May 5, 2017, ठीक है, जब हमने ओपन किया था कुल्फी किंग, तो उस दिन May 5, 2017 आप जितने खुश थे कुल्फी किंग के ओपन होने पे, तो शायद कोई और होगा शायद, ठीक है, क्योंकि मैं तो फंसा हुआ था, आइडिया था मेरे अंदर, सब कुछ टैलेंट था, सब कुछ अल्लाह ने रखा हुआ था, लेकिन आपको एक बंदा चाहिए था जो आपको आगे कहता, भाई खोल, फीता शीता बाद में काटेंगे, तू शुरू कर, अल्लाह का नाम ले। एंड 300 कुल्फीज द फर्स्ट डे, 2100 दिरहम की सेल जस्ट विथ कुल्फीज, बाकी जितने प्रोडक्ट्स उसके आसपास पड़े हुए थे सब धरे भरे रह गए और कुल्फियाँ बिकनी शुरू हो गई। तो वहाँ ये जो आज तक बीन बजा रहे हैं लोगों के सामने, भाई एक प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट, वहाँ मुझे अफर्मेशन मिल गई। मैंने कहा यार बंदा ऐसे कोई पागल जुनूनी नहीं है, कोई अल्लाह ने किसी मकसद से भेजा इसको, ठीक है। तो वो जो आप इंस्पायरिंग इसीलिए हैं क्योंकि आप जेन्युइनली लोगों के लिए खुश होते हैं।
तो मैंने उस दिन भी ये कहा था कि कुछ लोग यू नो बाई गॉड गिफ्टेड होते हैं कि यार दे आर जेन्युइनली आर हैप्पी फॉर अदर्स, और दूसरे उसको प्रैक्टिस करें कि यार आपने दूसरों की कामयाबियों के लिए खुश होने हैं, अल्लाह ने आपका हिस्सा बढ़ा देना है इंशाल्लाह। और जब अल्लाह आपको देता है ना, जो सरील होते हैं वो ये सोच बैठते हैं कि यार अल्लाह आपके हिस्से से अगले को दे रहा है, और यार आपका हिसाब की तरफ अल्लाह अपनी अल्लाह के पास कोई कमी है वो अपनी तरफ से देता होता है। सो बी हैप्पी फॉर पीपल। उसके बाद yes. जो मैं ये जो अपना सफर है ना उसका जो लास्ट स्टेज कह लूँ कि आज हम कहाँ हैं उसके हवाले से सबक, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि लोग जो भी कामयाब होते हैं, क्योंकि मैं देखें कंटेंट तो भरा पड़ा हुआ है वीडियोस पे, मैं सिर्फ अपनी दिल की बात कर रहा हूँ जो मेरे लिए व्हाट वर्क्ड, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ, और कोई भी मेरे स्टेज पर हो मुझसे थोड़ा पीछे हो इंशाल्लाह दिस विल हेल्प देम। वो है कि यू थिंक व्हाट यू बिकम, ठीक है। मैं अपने दिमाग में आज़ाद भाई जो दिमागों पर काम कर रहे हैं, जो मिलियनर लार्ड से कह रहे हैं, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड, ठीक है। एंड उनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि भाई अपने दिमाग में स्टार्ट इमेजिनिंग योरसेल्फ एज अ मिलियनर, ठीक है। जब आपने ये चीज़ करनी है ना तो आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलोइंग इन द प्लेस। मेरे साथ क्या हुआ था आज़ाद भाई, जब मैंने कुल्फ़ी, आपने जब आके वो अफर्मेशन दिया कुल्फ़ी करनी है, आपको पता है उसी वक्त उसके साथ साथ जो काम मैंने किया था, मैंने उसी वक्त कुल्फ़ी की फैक्ट्री साथ डाली। yes. और लोगों ने कहा कि खाली कुल्फ़ी की फैक्ट्री डजेंट मेक सेंस, भाई तू एक काम कर अपनी ही दुकान में पीछे एक मशीन रख ले और जितनी कुल्फियाँ बनती हैं उतनी बना बेच। मैंने कहा नहीं, मैंने पूरे दुबई में पूरे यूएई में बेचनी है। वो बिजनेस साइड इनको नहीं पता, मैं समझा देता हूँ। जो आपको दिखता है सामने कुल्फी किंग, अब DSO में भी ब्रांच खुली जा रही है, यू कैन टेस्ट इट देयर एज वेल, वो एक साइड है, रिटेल साइड है। इनकी दूसरी साइड ये है कि यहाँ पे जितने भी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं काफ़ी उनमें से इनसे असल में वो प्रोडक्ट बनवाते हैं। जिस तरह वीटाबिक्स एक कंपनी है ना, वीटाबिक्स अपने लिए तो वीटाबिक्स बनाती है, लेकिन जितनी भी 100% दूसरे उसकी जो कंपेटिटर्स है ना सबके लिए वो वीटाबिक्स बनाती है लेकिन नाम बदल देती है। बिल्कुल। तो ही मेक्स दी OEM प्रोडक्ट फॉर सारे जितने उनके होते हैं अपना कंपेटिटर्स अनब्रांडेड। अगेन कमिंग बैक टू द वन डिश मिलियनेयर आइडिया, आज तो जो फैक्ट्री रखी थी वो फैक्ट्री दिमाग में मतलब ऐसे रची हुई थी कि मेरी एक दिन फैक्ट्री होगी और वो इतनी कुल्फी बनाएगी, रिटेल स्टोर्स हर जगह होंगे, मैंने अपने दिमाग में वो चीज़ इन्विजन कर ली थी, ठीक। और मेरे सफ़र की जो सबसे अल्लाह का जो सबसे ज़्यादा मैं शुक्र अदा करूँगा, और मैं ये बिलीफ सिस्टम जो है ये आपको पास ऑन करूँगा, वो ये है कि मैंने जितनी चीज़ें सोची थी कुल्फी को लेकर अल्लाह ने उससे ज़्यादा पूरा करवाया। उससे जो बिलीफ सिस्टम ये बनता है कि आप जिस चीज़ को अपने दिमाग में सोच लेंगे उसको अच्छे से, आप अच्छे आप स्ट्रेटजिस्ट हो, आपके अंदर वो रिसोर्सफुलनेस है, आप वो चीज़ उससे ज़्यादा अल्लाह आपकी पूरी करवाएगा। ये अगेन इट कम्स बैक टू द वन डिश मिलियनेयर प्रोडक्ट थिंग, क्या आपने दिमाग में इन्विजन कर दिया है मेरी हर जगह होगी तो होगी। क्योंकि देखें आप आज बिजनेस में जिस भी पॉइंट पे स्टक है ना, वो अगेन वो लीथल कॉम्बिनेशन वाली बात है, उसमें एक जो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, जो मेरे अंदर था अल्लाह ने किसी हद तक रखा हुआ था, वो लोग कहते हैं कि बेस्ट रिसोर्स क्या है, कोई दोस्त है, कोई बड़े बाप के बेटे हो, कोई मतलब कोई रिसोर्स है आपके पास, नहीं जी, सबसे बड़ा रिसोर्स ये है कि आप रिसोर्सफुलनेस आपके अंदर होनी चाहिए। मैं मुझे आज़ाद भाई ने जो किक दी ना मैं उससे चल पड़ा, वो किक स्टार्ट था बस। अगर मान लेते कि आप नहीं बैठनी थी और मेरी दुकान चलानी थी, या आपके आपका हाथ पकड़ के मैं किसी पॉइंट बी पे ना पहुंचता, आपकी सारी मेहनत ज़ाया थी। मेरे अंदर रिसोर्सफुलनेस थी कि जो रिसोर्स अल्लाह ने मुझे दिया मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया एंड नेक्स्ट। यस। तो ये रिसोर्सफुलनेस जो है ना ये की है किसी भी बंदे के लिए जो इस वक्त किसी भी पॉइंट पे बिजनेस शुरू कर रहा है। आगे अगर मैं यहाँ से खुद लेके जाता हूँ, इन्होंने वन डिश को पकड़ लिया, उसकी वेरिएशंस बनाना शुरू कर दी, उसको एक्सपेंड ऐसे किया कि जी कंपेटिटर्स को दे रहे हैं, रेस्टोरेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं, अब रेस्टोरेंट्स तक इनकी रसाई हो गई है। ये देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट्स और भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, दूध इस्तेमाल करते हैं, पनीर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुल्फी किसके यहाँ जा रही है, फिलिपिनो रेस्टोरेंट तो नहीं जा रही, मोरक्कन रेस्टोरेंट तो नहीं जा रही, हमारे देसी रेस्टोरेंट्स के अंदर जा रही है, तो यार वो पनीर इस्तेमाल करते हैं, पालक पनीर वहाँ पे बनती है, पनीर का खुद का सालन वगैरह बनता है इस्तेमाल, तो इन्होंने उनको पनीर सप्लाई करना शुरू कर दी। एंड
और क्या प्रोडक्ट्स आप सप्लाई करते हैं? अब जैसे आजाद भाई ने कहा मुझे आते ही कि अभी क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कुल्फी के साथ हमने डेयरी का पूरा सेटअप लगाया, वी आर स्टार्टिंग विद योगर्ट पनीर एंड कंप्लीट डेयरी आइसक्रीम। तो आजाद भाई ने कहा कि भाई तुझे 4 साल बाद ना अब पूरी इजाजत है, यस जो मर्जी कर। यस ये मैंने कहा था, क्यों पहले अपने को एक ना कैश काउ देते हैं, एक पैसा छाप प्रोडक्ट देते हैं जो आपकी लेगेसी बन जाती है। लेगेसी बन जाती है, इनकी लेगेसी बन गई ना कुल्फी वाली, कुल्फियां सप्लाई कर रहे हैं, अब इनके जो खरीदार हैं वो खुश हैं, इनसे राजी हैं, अब वो दरवाजा खुल गया तो बाकी भी चीजें देते जा रहे हैं, आगे डिजर्ट्स देंगे, आगे और कुछ। और मैं आपको बताऊं, ये जो बिलीफ सिस्टम बनता है उसका फिर ये नहीं होता कि आप जो अगला काम करते हैं वो कुछ और शुरू कर देते हैं, नहीं, आपका जो बिलीफ सिस्टम बनता है आप उसके बाद इतने लीथल हो जाते हो कि आप अगली चीज़ भी, अब हमारा जो अगला प्रोडक्ट पाकिस्तान के लिए आ रहा है वो भी वन डिश बिलिनर है और आजाद भाई ने उसे ओके टू बोर्ड लगा दी है। हाँ, थोड़ी रद्द बदल करनी है। हाँ, ओके टू बोर्ड की मोर लग गई है उस पर, ठीक है ना। तो दैट वॉज, मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे बड़ा डर लगा हुआ था कि ये बंदा आए और ये अगर इसने डिसरप्ट कर दिया कि जी फारग है, तो मैंने कहा बहुत लंबी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इन्होंने आते ही कहा ओके टू बोर्ड अगेन, इट इज़ इन द सेम लाइन कि जो हमने खाली कुल्फी पकड़ी ऐसी, प्रोडक्ट नहीं बताना आपने भाई। हाँ, तो वो इंशाल्लाह अगले साल हम पाकिस्तान आएंगे 2022 अल्लाह ने चाहा, और आजाद भाई आप ही ओपनिंग करेंगे। कुल्फी किंग है वहाँ पे, देखिए बात वही अगेन मिलिनर वाली बात है, इनका जो लॉर्ड का लफ्ज है मैं किंग का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि भाई आना है और छा जाना है इंशाल्लाह। अगर आप ये देखें ना, ये जो हमारे साथ कॉन्सेप्ट है बिरयानी वाला, ये जब आया था ना, जो इसने, आप हमेशा यू आर ओपन टू व्हाट अदर्स आर डूइंग राइट एंड इट्स हेल्पिंग देम, ये जिस तरह आया था ना, इसने इतना इम्पैक्टफुल आया था ये मार्केट में कि आया और छा गया था, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने सीखी और उसने मुझे बड़ा हेल्प किया। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये बता रहे हैं, जो भी वन डिश मिलिनर शुरू स्टार्ट से कर रहा है उसके लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है और डोंट्स में आती है वो, जो मैंने गलती की और मैं उसके बाद एक वन लाइनर कहूँगा कि आपने नहीं करनी, वो ये है कि गोइंग स्लो इज़ द न्यू फास्ट एंटरप्रेन्योर के लिए, ठीक है। आपने शुरू में तेज़ी नहीं दिखानी, वो तेज़ी बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थंब रूल ये रहेगा, यू हैव टू स्टे इन द गेम। मैंने 4 साल में बहुत बड़े बड़े मसाइल देखे, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की, कोविड ने आके तो डिसरप्ट कर दिया है, लेकिन आपकी जो भी मुश्किल है मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी इंशाल्लाह। कोविड ने जब डिसरप्ट किया मार्केट को, उसके बाद ये डेयरी फैक्ट्री आई है। मैं कोविड के बाद उतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था माशाल्लाह कि अब वो आया तो मसला था, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा ना उसको जितने ये जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये उसको टेस्ट करेंगी बहुत ख़तरनाक तरीके की हद तक, और आपने सर्वाइव करना है, आपकी कमजोरी, यू हैव टू स्टे इन द गेम। आपने अपने आप को ये कहना है कि मैंने रहना है गेम के अंदर। आपने उस जो दायरा होता है ना पहलवानी का, उसमें बंदे को बाहर लाइन से नहीं गिरना होता, तो आप यहाँ तक आए हैं, आपने फिर जोर मार के अंदर आ गए, तो आपने गेम के अंदर रहने के लिए कुछ भी करना है। मैंने अपने आप को ये कह दिया था, बड़े बड़े मसाइल आ रहे थे, मैंने कहा आई हैव टू स्टे इन द गेम, और आप यकीन करें दिस हेल्प मी अ लॉट। ये हर वक्त मैं अपने दिमाग को कह रहा था कि आई हैव टू स्टे इन द गेम, यू हैव टू स्टे इन द गेम एंड दैट विल हेल्प यू इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं लेके जाएंगे, लेकिन शुरू में थोड़ी सी स्पीड कम रखनी है, फिर कोई यू आर अनस्टॉपेबल इंशाल्लाह। इफ आई वाज टू टेक 10 लेसंस फ्रॉम यू शुरू से लेकर आखिर तक, जस्ट बुलेट पॉइंट्स, डिश कौन सी चूज करनी है, वो वाली जो एस्टैब्लिश्ड है, जो एस्टैब्लिश्ड है, जिसके जो आपने वो प्रोडक्ट लेना है जो डीप रूटेड हो। देखें आज का दौर फ्यूजन का दौर है, यू कैन नॉट से नो टू ट्रेंडी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, लेकिन उसको वैल्यू एडिशन रहने दें, लेकिन एक तगड़ा प्रोडक्ट उसके साथ रखें जो डीप रूटेड हो। मैकडॉनल्ड्स के 4 बर्गर से कभी नहीं चेंज होते, बाकी जो चीज़ें 45 दिन के लिए चलती हैं फिर वो उठा लेते हैं, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या? दूसरा आपने मेक श्योर करना है कि आप, वो जो मैंने स्लो कहा है वो इसीलिए पॉसिबल है कि आपने छोटा शुरू करके, लेकिन उसमें ये चीज़ देखनी है कि स्केलेबल हो सकता है, स्केलेबल हो। तीसरी चीज़ इट शुड बी लाइट एंड यू शुड बी एबल टू रन विद इट, ठीक, यानी बहुत भारी ना हो,
कियोस्क से शुरू हो जाए। हाँ, कियोस्क शुरू कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कहीं भी वो आपका, जैसे आपने कियोस्क भी अगर किया है, वो इस तरह होना चाहिए कि अगर कल आप उसको डिसमेंटल करते हैं तो आपका ये नहीं है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बड़ा किचन सेटअप ना हो। ना, ठीक है। पांचवी चीज, पांचवी चीज, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके एक्सपर्ट बन जाएं, उसको सीखें, उसको सीखें। उसमें अगर आपको लग रहा है कमी है, क्योंकि यू नो इट, आप अपने प्रोडक्ट के बेस्ट जज होते हैं। आप अगर वो चीज़ शुरू कर रहे हैं तो आपको पता है कि यार ये चीज़ का टेस्ट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें बेस्ट निकालें। और फैमिली को चखने मत दीजिएगा, फैमिली हमेशा कहेगी हाँ बड़ी ज़बरदस्त है। पेइंग कस्टमर्स, सस्ती करके ना ट्रायल लिख दो जी, ये मेरे 3 दिन की ट्रायल है। गो टू ये जो होते हैं ना अपना फूड फेयर्स, वहाँ पे ट्रायल करो, वहाँ पे उन्होंने या मुंह बना देना और ऐसा ब्रांड उसके पीछे नाम लगाना जो आपने असल रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं करना, ताकि उसकी रेपुटेशन गिरे। अगर अच्छा हुआ छा जाएगा वही इस्तेमाल कर लेना, अगर फेल हो गया तो कम से कम आपको पता है कि यार, एंड बी ओपन टू चेंज, ये मैं कहूँगा, बी ओपन टू चेंज। छठी चीज़, आई वुड से कि वो जो होता है ना कि परफेक्ट सिनेरियो होगा, इतना मेरे पास कम से कम वो होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, नेवर इज़ द राइट टाइम। जो आप, जब आपने इस वीडियो से इंस्पायर हो कि अगर आपने कोई दिमाग में आइडिया आता है, दिस इज़ द राइट टाइम, जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट। अपना सही वक्त बनाना पड़ता है, अपना सही वक्त बनाना पड़ता है। सातवीं चीज़ आज़ाद भाई, स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है। कि मुझे शुरू में कारीगरों की परेशानियाँ, ये सब सब कुछ हो चुका है, ठीक है, आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस। तो आप जितनी जल्दी स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा सकते हैं आपको जाना चाहिए, ताकि आप हाईजैक ना हो सके बिजनेस में किसी से भी, आपको कोई ब्लैकमेल ना कर, कोई भी ना कर सके, बंदा आए जाए इट डजंट मैटर टू यू। आठवीं चीज़ मैं ये कहूँगा, आज़ाद भाई अपनी डोमेन के एक ब्रांड बन गए हैं, तो मैं ये कहूँगा आपने या मैंने, हमने काम वहाँ तक करना है जहाँ तक हम लोगों को इंस्पायर करना शुरू करें। आई एम हैप्पी कि कुल्फ़ी के हवाले से आज मैं लोगों को इंस्पायर करने की किसी हद तक पोजीशन में हूँ, और आई वुड लव टू डू इट, एंड यू हैव टू बी द आज़ाद चाय वाला ऑफ योर फजूल की तारीफ। नहीं नहीं भाई, ये मेरा भाई जो बात है वो है। नवी चीज़ देखिए, मनी इज़ समथिंग विच फॉलोज़, ठीक है। आपका जो जुनून होता है, आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, हर चीज़, आपकी मेहनत होती है, एवरीथिंग इज़ गेटिंग रिवॉर्डेड, ठीक है। लेकिन देयर शुड बी समथिंग डीप इनसाइड अपार्ट फ्रॉम जस्ट मेकिंग मनी। वो आप काम को इन्जॉय कर रहे हैं, आप अपने वक्त को जो है ना, आपको लग रहा है कि मैं ब्रिंगिंग वैल्यू टू पीपल। मतलब जब मैंने कुल्फ़ी शुरू की थी तो मैं कुल्फ़ी अपनी फैमिली को इतनी शौक से, मेरी फैमिली ने इतनी शौक से खाना शुरू किया था, क्योंकि मुझे आज तक वो खाती है कि मैंने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है। और हमारे दीन में भी ये है कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाना है, इट शुड बी द बेस्ट ऑफ इट। और अल्लाह के फजल से जो रेसिपी, आज भी कोई कमी नहीं करते उसमें, एंड दैट कीप्स मी गोइंग। एंड फाइनल दसवीं चीज़, आपने जब प्रोडक्ट बना लिया एंड मोमेंटम आ गया, ठीक है, नाउ यू आर अनस्टॉपेबल, उस वक्त आपको फ्रेंचाइजेस की तरफ जाना चाहिए, सो दैट जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, इट हेल्प्स अदर्स to join your mission and make money out of it. हाँ, उनको रोकना नहीं है पैसे कमाने से, and that will add a lot of growth. औरों के पैसे से अपनी growth डालो, so you can become a market leader, inshallah. I think that was 10, हो गए, done. And the end. Video को यहाँ पे खत्म करते हैं. कुछ बोले ना आप? मैं क्या बोलूँ आखिर में? आपने सारा कुछ बोल दिया है. मैंने भाई को कहा था कि मुख्तसर से रखेंगे, एंड ज्यादा घसीटना नहीं है, बट वो कोई नहीं। इन्होंने मुझे कहा कि बैठना नहीं है, खड़े रह के बात करनी है। मैंने कहा फिर नहीं रुकता मैं। मेरा मकसद यही था कि काम की चीजें निकलेंगी, बट देयर वाज स्टिल अ लॉट ऑफ लर्निंग। सी यू गाइस इन पाकिस्तान इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। इंशाल्लाह प्रोडक्ट अच्छा है, बस उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा वो एक नीचे वाली तह लगानी है, एंड देन इट विल बी, और वो जॉर्डन से आ रही है, इन्होंने बोला वो जॉर्डन से एक रीडेड आए, एंड देन इंशाल्लाह इट विल बी अ रियली गुड प्रोडक्ट, गुड लक। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आऊंगा, आपकी जो भी, आपने जो अगला मीटअप रखना है ना, जो भी मतलब कभी ना कभी रखा, उसमें हमने एक मीटअप रखना है डेडिकेटेड टू ऑल वन डिश मिलियनर्स, सारे वो ही आए, और उसका टिकट ये होगा, अपना वो भेजो, वन डिश में हो तभी मिलना है, वो सारों वाले नहीं आने, सोचेंगे बड़े मुश्किल काम है। मैं आऊंगा उसमें अपना ट्रम्प कार्ड लेके, इंशाल्लाह, ठीक है, ऑल द बेस्ट इनको, एंड थैंक यू। अगर और कुछ ना कहें, मुख्तसर सा अगर मैं वीडियो रखूं, दिस इज अ गाय 4 years ago स्टॉल से शुरू किया, कुल्फी बेचना शुरू की, टुडे हैज मल्टीपल आउटलेट्स, 5 factories, 5 warehouses इनके पास, यार कुछ ना कुछ तो उसमें रखते होंगे, कहीं ना कहीं वो जाता होगा। आप भी सक्सेस स्टोरी बन सकते हो,
इट डज नॉट मैटर कि आप कहाँ से शुरू करते हो, इट मैटर्स कि आप पहुंचते कहाँ पे हो आहार कार। सो स्टार्ट स्मॉल एंड बिग, पाकिस्तान जिंदाबाद। पहुंचना है वहां तक जहां तक अपने काम का जात चाय वाला बनना है, इंस्पायर करना है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।